Hey guys, welcome back to my channel Fitness and Lifestyle. आज मैं आप लोगों के लिए कीटो मटन रेसिपी लेके आई हूँ. इंग्रेडिएंट्स आपके सामने हैं. हमें चाहिए सॉल्ट, मटन मसाला, कुटा हुआ अदरक लहसुन, खड़ा गरम मसाला, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, घी और मटन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले हम कुकर को हीट कर लेंगे और उसमें ऐड करेंगे 2 से 3 चम्मच देसी घी. हम मटन कुकर में बना रहे हैं क्योंकि मटन को पकने में बहुत टाइम लगता है और उसको प्रेशर कुक करना ही सही रहता है. अब हम ऐड करेंगे खड़ा गरम मसाला. मैंने ये 3 चीजों का यूज किया है. अब हम इसमें ऐड करेंगे कूटा हुआ अदरक लहसुन. हमें अदरक की क्वांटिटी लहसुन से कम लेनी है. हमें अदरक और लहसुन को घी में अच्छे से भून लेना ताकि सारा फ्लेवर अच्छे से मिक्स हो जाए, गरम मसाले का भी और अदरक लहसुन का भी. हमने जितने मसाले लिए थे स्टार्टिंग में वो सब अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लेना है. बस इतना ही ध्यान देना कि हम मटन मसाला ज्यादा यूज कर रहे हैं. फिर हमें इसमें हमारा वॉश्ड मटन डाल देना है. चार सीटी के बाद हम एक बार मटन को खोल के चेक कर लेंगे कि वो पक गया है या नहीं, या फिर उसमें अगर और पानी डालने की जरूरत है तो हम उसमें और पानी ऐड कर लेंगे क्योंकि पकने के लिए पानी होना बहुत जरूरी है. जैसे कि आप देख रहे हो मेरा मटन यहाँ हाफ कुक्ड है तो मैं इसे और 4 से 5 सीटी लगाऊंगी. मटन पक जाने के बाद हमें इसे हाई फ्लेम में अच्छे से भून लेना है. तो गाइस हमारा कीटो मटन रेसिपी एकदम रेडी है. ये कीटो के अलावा भी आप बना सकते हैं. इसे हम कहते हैं मटन भुना गोश्त. इसे आप कीटो नहीं भी कर रहे हो तो भी खा सकते हो. और अगर आपको लग रहा है कि ये हाई बहुत ज्यादा घी में बना है तो आप घी की जगह ऑलिव ऑयल या फिर नॉर्मल ऑयल जो होता है वो भी यूज कर सकते हो, या फिर घी की क्वांटिटी कम कर दीजिए. सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. इसे प्लीज ट्राई करके मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसा लगा ये मटन. आई विल बी बैक विद मोर वीडियोस फॉर यू गाइस सुपर सून. टिल दैट टाइम लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. बाय, टेक केयर.